কোভিড টিকাকরণের সর্ববৃহৎ অভিযানে জৈন শ্বেতাম্বর তারাপন্থ সভা গুয়াহাটিতে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। গুয়াহাটির ফেন্সি বাজার তারাপন্থ ধর্মশালায় তার বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে চলছে কোভিড ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। সেখানে লোকেদেরকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে তাদেরকে উপযুক্তভাবে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার পর বিশ্রাম, তাদের জল খাবারের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে খুব সুন্দরভাবে তারা সেই ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। সেখানে উপস্থিত না হলে আপনি বুঝতে পারবেন না, তারা লোককে এতটা আন্তরিকভাবে সেখানে প্রচেষ্টা করছেন যে লোকেরা ফিরে যাওয়ার পথে তাদের রেজিস্টার বুকে তাদের ফিডব্যাক দিয়ে যাচ্ছেন। অজস্র লোকেরা তাদের ফিডব্যাক দিয়ে যাচ্ছেন, তারা খুব সমাধির জন্য উৎকৃষ্ট কাজ করছেন। তাদের এই ব্যবস্থাপনা প্রধান সমন্বয়কর্তা রিতেশ খট্টর আমাদেরকে তাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে এভাবে বলেন। देखिए जैन शतम्बर तेरापंथी सभा धर्मस्थल हमारा है, तेरापंथ धर्मस्थल इसका नाम है। 10 मई से हमने ये कैंप आरंभ किया था टीकाकरण शिविर का। आज ये 17वां दिन है और लगभग हम लोगों ने 5000 कल तक कर लिया था और आज हमें 300 वैक्सीन मिली है, तो लगभग 5300 आज की संपन्न होगी और काफ़ी लोगों ने इसका लाभ लिया। हर समाज के वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। सीनियर सिटीजन ने हमें एक फीडबैक रजिस्टर भी यहाँ पे रखा है, उस रजिस्टर में लोगों के जो कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं वह बहुत ही सराहनीय है। इस कैंप की प्रशंसा बहुत लोगों ने की है। हमारे अध्यक्ष श्री धनकार जी दुदोड़िया का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि समाज का हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो, हम समाज के कुछ आम काम आ सके, ये तेरापन धर्म स्थल उसी के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। और आशा करता हूँ कि जब तक हमें सरकार द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी तब तक निरंतर रूप में तेरापन धर्मस्थल पर ये कार्य प्रारंभ रहेगा। भाई हमारे यहाँ के सचिव है भाई निर्मल जी श्याम सुखा, वो भी बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग और करेंगे। हमारे यहाँ लगभग 50 कार्यकर्ताओं की एक शानदार टीम लगी हुई है। आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पर है, वेटिंग एरिया यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में भी हम लोगों को टीका लगाने के बाद आधा घंटा बिठाते हैं। वहाँ पर जूस प्रोवाइड किया जा रहा है, उन लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक सोने के लिए बेड व्यवस्था भी की गई है। ऑन कॉल डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, 12 डॉक्टरों की टीम ने हमें समर्थन दिया है, उनको जब भी हम लोग याद करते हैं तब यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अभी तक इस कैंप में भगवान की कृपा से एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसे हमें डॉक्टरों को बुलाना पड़े। बहुत आसानी से लोगों ने उपलब्ध कराया, आपने देखा है प्रोटोकॉल के तहत। आज कोरोना जैसी विषम महामारी में कोरोना का प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे किस रूप में लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बैठे हैं। और कल का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था, कल के दिन में यहाँ पर 563 यूनिट इन्हें सिंगल डे लोगों ने उपलब्ध कराया। हमारे कार्यकर्ताओं ने सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:15 तक लोगों को वैक्सीन किया है। मैं अपने जांबाज कार्यकर्ताओं के लिए सैल्यूट करता हूं और आशा करता हूं इसी रूप में हमारी पूरी टीम समाज के लिए, समाज विकास के लिए, समाज उत्थान के लिए कार्य करती रहे और जब तक सरकार हमें वैक्सीन प्रोवाइड करेगी तब तक हम ये कैंप निरंतर जारी रखेंगे। ऑनलाइन में देखा गया जो दिक्कत हो रहा है इसको नहीं मिला, यहाँ के ऑनलाइन सिस्टम से होता है ना डायरेक्ट? सरकार ने हमें ऑफलाइन सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम दोनों में दिया है। ऑनलाइन सिस्टम में लगभग 150 लोग हमारे इस कैंप में निरंतर आ रहे हैं, 18 प्लस के और 45 प्लस के अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले 45 प्लस से आरंभ हुआ था ये कैंप और अभी 18 प्लस का कैंप में हमें 150 वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन के माध्यम से। और ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 147 मतलब 2 या 3 लोग छोड़ के पूरे दिन 150 के 150 लोग में यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है और बड़े स्मूथली बहुत शानदार तरीके से ये कार्य संपन्न हुआ है। मैं सरकार की इस व्यवस्था को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर में इतना इजी फॉर्मेट बनाया जिससे हमारे पास जो भी व्यक्ति आया वो सिर्फ मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया और उसके डाटा पूरे के पूरे उसके अंदर थे, समाये थे। हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने में उससे बहुत सुविधा मिली।
थोड़ा जोर से बोलो, कैसे महसूस कर रहे हैं? पांच में हुआ है, एकदम अच्छा महसूस कर रहा, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं संस्था के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रही है, आज हम लोग परेशान थे, देखिए यहाँ पे मिला, बहुत अच्छा काम है। और वैक्सीन लेना तो सबको ही जरूरी है, आज हमारी सरकार इतनी मेहनत। कैमरा लाट्टू चौधरी संगे विद्युत दे रिपोर्ट, थर्ड आई न्यूज़ गुवाहाटी।